हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय लाइफ इज़ वंडरफुल और मैं हूँ साथी। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5:30 और मैं 3:30 बजे से ही जगी हुई हूँ, पर नींद नहीं आ रही थी। जगी हुई थी, लेटी हुई थी, मोबाइल देख रही थी। और आज सुबह से ही मैं थोड़ी सी लेजी फील कर रही हूँ। मतलब घर में भी मैंने थोड़ा सा भी योगा या फिर एक्सरसाइज कुछ भी नहीं किया, करने का मन ही नहीं कर रहा है, ना ही काम करने का मन कर रहा है। पानी भी बहुत पहले ही आ चुका है, तो मैंने सोचा चलो पहले ब्रश व्रश कर भी थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, अगर थोड़ा सा अच्छा लगे। और मैं हानि के साथ चाय पीती हूँ। कौन 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 पीता है मुझे तो पता नहीं, पर मैं पीती हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हो, मतलब अगर आप शुगर नहीं लेना चाहते। मैं बिना चाय, मतलब मीठा जो चाय नहीं होता है, मैं पी नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी सी हानि दे देती हूँ। और अभी मैं आ चुकी हूँ चाय लेकर इस रूम में, और मैं मूवी देख रही हूँ अभी, एक हॉलीवुड की मूवी। मुझे बहुत पसंद है हॉलीवुड मूवीज़, वो जुम्बी टाइप्स है थोड़ा सा ये मूवी, पर अच्छा है। तो अभी मैं इसे ये से देख के थोड़ी देर टाइम पास करूँगी। तो मूवी देखते देखते 8 बज चुका था, तो मैंने सोचा चलो अभी कुछ ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। बेटू अभी भी सो रहे हैं और मेरे हस्बैंड गए हैं काम पर, और ब्रेकफास्ट में मैं आज चिकन मोमो बनाने वाली हूँ। तो इंटरेस्टिंग थोड़ा सा, ताकि मेरा मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, तो मैं अभी उसी का इंतज़ाम कर रही हूँ। तो चिकन मैंने कल, मेरे हस्बैंड चिकन लाए थे, उसी से थोड़ा सा मैंने रख दिया था। और अभी चिकन को मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, और उसमें मैंने अनियन और गार्लिक और चिली दे दिया है थोड़ा सा, और सोया सॉस और सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल। मतलब ऑयल फ्री ही बनेगा, इसमें ज़रा सा भी ऑयल नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और मैं मैदे से नहीं बनाने वाली हूँ, आटे से बनाने वाली हूँ। जो सिंपल हम रोटी बनाते हैं जिससे, वही वाला आटा है ये। तो डो रखा हुआ था फ्रिज में, तो उसी से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा मोमो ऐसे ही मैं बना लूँगी। और यहाँ पे देखिए, मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, दे दिया है एक स्टैंड, और ऊपर मैं ये मोमो की प्लेट रख दूँगी और ढक के रख दूँगी पकने के लिए। और दूसरे साइड में मैंने मोमो के लिए चटनी बनाने के लिए टमाटर और सूखी लाल मिर्च और गार्लिक दे के बॉयल करने के लिए रख दिया है। और जब तक वो दोनों ही पक रहा है, तब तक मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। तो वो करते करते मेरा एक काम हो जाएगा, और बेटी उठती तो मेरा काम और थोड़ा सा बढ़ जाता है, पर वो अभी तक नहीं उठी थी, तो सोचा चलो ये भी कर लेते हैं। ये देखिए, चटनी भी पक चुकी है और बर्तन धोते धोते मोमो भी बहुत अच्छे से पक चुका है, और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो चुका है। और ये ब्रेकफास्ट मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे देखते ही मेरे हस्बैंड को उल्टी आ जाता है। पसंद नहीं है मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी। तो वो सब तो बनाने के बाद अभी मैं नहीं खाने वाली हूँ, थोड़ी देर बाद खाने वाली हूँ। तो सोचा चलो काउंटर टॉप गैस वगैरह साफ कर लेती हूँ तब तक, और फिर मैं बेटू को उठाने जाऊंगी। ये सब बनाते बनाते लगभग 9:15 हो ही गया था टाइम, तो अभी बेटू को उठाऊंगी। वो उठ भी चुकी थी, तो अभी मैं उठा रही हूँ उसे। और मच्छरदानी टांगे ही सोते हैं हम, क्योंकि कलकत्ता में बहुत ज़्यादा मच्छर है, और मेरे बेटू को जो है वो मच्छर से एलर्जी है, मतलब काटने से उसको एलर्जी होती है। और बच्चे जब नींद से उठे, उसे थोड़ा सा प्यार करना चाहिए, थोड़ा सा आराम से उठाना चाहिए, क्योंकि उनका जो मूड है वो तब अच्छा नहीं होता है नींद से उठने के बाद। तो अभी मैं उसे तुरंत ले जाके ब्रश करवा दूँगी, वरना क्या होता है कि अगर आप अभी ब्रश नहीं करवाऊँगी मैं उसे, तो वो और ब्रश नहीं करना चाहेगी पूरा दिन। तो नींद से उठने के तुरंत बाद ही मैं उसे ब्रश करवा देती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने दूध फ्रिज में रखा था, तो मलाई जम गया है ऊपर, और ये मलाई मैं एक कंटेनर में भर के 14-15 दिन रख देती हूँ, मतलब फ्रीजर में रख देती हूँ। फिर 14-15 दिन उसे एक इकट्ठा करने के बाद मैं उससे घी बनाती हूँ। बहुत अच्छा घी बनता है इससे, और बहुत सारा बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा घी बनता है। मतलब मेरे हस्बैंड जाते हैं घी रोटी पराठा बनाने से अच्छा होता है घी देकर, तो इसे मैं अभी रख दूँगी फ्रिज में। और बेटू को मैं अभी दूध पिला दूँगी, नींद से उठने के बाद मैं उसे रोज़ दूध ही पिलाती हूँ। और सुबह से तो उसके नखरा शुरू हो जाएगी दूध पीने की, वो बोलती है कि मैं क्या बेबी हुआ भी कि मैं दूध पीऊँगी। अभी तो बच्चे जो है वो बहुत बात करना सीख जाती है, बहुत बातें करती है कि मैं क्या वो हूँ वो हूँ, तो वैसे वो पी लेती है अभी खुद से। फिर मैं अभी घर का काम कर लूँगी, मॉर्निंग का जो साफ़ सफाई है, और मच्छरदानी में रोज़ टांगती हूँ और रख देती हूँ फिर से,
तो बिस्तर भी मैं अभी थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। बेडशीट वगैरह तो 2 दिन पहले ही चेंज किया था, तो अभी चेंज नहीं करने वाली हूँ। और बेटू तो मस्ती करती रहती है मेरे साथ साथ, वरना टीवी या फिर मोबाइल लेके बैठ जाएगी सुबह से, तो और छोड़ेगी नहीं। तो मैंने सोचा चलो तुम जो करते हो करो, मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो वैसे ही काट रहा है हमारा दिन, और लेजी डे हमारा कब बिजी डे बन जाता है पता नहीं चलता है, जबकि आप एक मॉम हो। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ घर में, बिस्तर वगैरह साफ करने के बाद झाड़ू लगा दूंगी अच्छे से, और फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और झाड़ू पोछा लगाने के बाद अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। 2-3 दिन मैंने किया नहीं था, तो सोचा आज कर दूँ। पहले वाले वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि मैंने ही की थी, तो आज कर रही हूँ मैं डस्टिंग। मतलब मैं बिस्तर वगैरह करते हुए मैंने देखा कि थोड़ा सा मतलब धूल वगैरह जम गया था, तो क्लीन कर देती हूँ अभी। देख मतलब जब देखते हो ना तभी कर देना चाहिए, वरना बाद में और नहीं होगा। तो टीवी में क्लीन कर देती हूँ, और इसी बहाने रिमोट वगैरह भी सैनिटाइज हो जाता है अभी। तो ये करने के बाद अभी मैं बेटू के लिए थोड़ा सा खिचड़ी भी बनाऊंगी, क्योंकि अभी ये सारा काम करते करते 10 बज चुका था, तो उसका अभी मतलब ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम हो गया है। लगभग 9 बजे वो दूध पी थी, सो 1 घंटा हो ही चुका है। तो मैं अभी उसके लिए थोड़ा सा डालिया बना रही हूँ, पामकिन दे के डालिया और दाल के साथ, उसे वो ये बहुत पसंद है, तो यही बना दूँगी और थोड़ी देर बाद उसे खिला दूँगी मैं। मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मैं अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लेजी डे टाइप सी लंच होगा। तो लंच में मैं आज खिचड़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि वेदर तो मैंने बोला है कुछ दिनों से वेदर जो है वो बिल्कुल मानसून की तरह ही हो गया है। बारिश तो नहीं हो रहा है पर धूप नहीं है, तो आज खिचड़ी बनाऊँगी। तो सब्जी वगैरह मैंने काट कर चावल धोकर रेडी कर लिया है, पानी वहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है। और खिचड़ी के साथ बनाऊंगी मैं बैंगन फ्राई और क्या ऑमलेट। सिंपल सा आज का है लंच। तो चलिए, मैं पानी गर्म हो गया तो इसे मैं अभी डाल देती हूँ उसमें। और इसमें मैंने 2 तरह के की चावल दिया है, मतलब 2 टाइप का चावल है इसमें। एक जो नॉर्मल चावल होता है वो है, और एक ये देखिए जो हम खीर बनाते हैं जिस चावल से, ये छोटा वाला, ये वाइट ये है। तो ये 2 तरह के बनाते हूँ, और इसका खुशबू जो है ये बहुत अच्छा होता है, तो इसी से, और मतलब हाफ हाफ दे के बना रही हूँ। और मूंग और मसूर का दाल, तो अभी मैं इसे बॉयल करने के लिए दे दूँगी। मैं थोड़ा सा मैं नमक हल्दी दे देती हूँ। और इसे अभी मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी।
मछली बॉइल्ड हो चुकी है, तो अभी मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड करूँगी। तोड़ के नहीं डालूँगी, ऐसे ही होल डाल दूँगी, क्योंकि मेरी बेटी खाएगी उसको तीखा लगेगी। और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ और थोड़ी सी पीनट्स। खिचड़ी में पीनट्स डालने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट अच्छा रहता है। ये देखिए, बारिश का नाम लिया और बारिश स्टार्ट हो गई। तो ये तैयार हो गई है मेरी खिचड़ी की मसाला। जब खिचड़ी पक जाए तब मैं ये मसाला खिचड़ी में डाल दूँगी, मतलब पकने के बाद खिचड़ी थोड़ी सी रख दूँगी पेट से। স্নান করবি না? ওটা কি করছে তোর? ওটা নোংরা হবে না? না তুই পারবি না লক খুলতে। হে পড়েবি, চ চ চ স্নান করবি, চ স্নান করার পর আমি খুলে দেবো। কি করবি তুই ওখানে? खिचड़ी अच्छे से पक चुकी है और अभी मैं इसमें ये जो मसाला मैं बना के रखी थी वो डाल दूँगी और इसे अभी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला, मतलब वो मसाला में दिया था पहले, तो अभी थोड़ा सा ऊपर से डाल रही हूँ और थोड़ा सा घी। और इसे मैं अभी 5 मिनट ढक के पकाऊंगी, फिर फ्लेम को ऑफ कर दूंगी तो खिचड़ी रेडी हो जाएगी। बाय। हाँ वो कंप्लीट हो चुकी है और अंडा तो अंडा मैंने अभी फ्राई नहीं किया है, अंडा फ्राई करूंगी थोड़ी देर बाद। मतलब ऑमलेट गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, तो हस्बैंड जब आ जाएंगे तभी बनाऊंगी और अभी मैं बेटू को खिला रही हूँ। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और मैंने ऑमलेट भी बना लिया है, तो अभी चलिए हम लंच करते हैं, गर्मा गर्म खिचड़ी गर्मा गर्म ऑमलेट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और अगर मेरे वीडियो सबको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलता है एक नए वीडियो के साथ।